गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम है गिनी और आज मेरे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, आई एम एक्साइटेड टू टॉक टू हिम। यार एक प्रिंसिपल होता है जिसका नाम होता है किस, यानी कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। ऐसी चीजों में बनाओ जो कि बड़ी सिंपल होती है और जैसे ही वो मार्केट में आए लोग सोचे अरे हमने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। तो आज मेरे साथ मिस्टर अभिषेक नेगी जो कि है को फाउंडर ऑफ एगोज। गुड मॉर्निंग सर, ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। जल्दी से बताओ व्हाट स्पार्क द आइडिया फॉर एगोज, हाउ डिड इट गेट स्टार्टेड? सो आई लव ईटिंग एग्स, मैं बचपन से अंडे खाते खाते ही बड़ा हूँ। तो 2017 में मैं मेरे फ्रेंड्स उत्तम और आदित्य के साथ ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था और हम लोग सोच रहे थे कि व्हाट्स नेक्स्ट और नेक्स्ट बिग थिंग क्या करें। तो हमें चमका कि यार अंडों के स्पेस में कोई ब्रांड नहीं है, अंडों के स्पेस में कोई अमूल नहीं है, देयर इज नो अंडों का राजा इन इंडिया। और फिर हमने क्वालिटी देखी, क्वालिटी अंडों की देख के हमें समझ में आया कि हालांकि इंडिया में डेली बेसिस के करोड़ों अंडे कंज्यूम होते हैं, हम लोग वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एग्स हैं, बट अंडे इन नॉर्मल एग्स इन रिटेल आर 8 to 10 days ओल्ड। अंडों से टिपिकली आपने कभी गौर किया होगा एक स्मेल आती है, अंडे वाली स्मेल आती है और वो ऑलमोस्ट सारे अंडों से ही आती है। मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि वो स्मेल नहीं आनी चाहिए, दैट इज रॉन्ग। एंड हमने प्रोडक्शन एंड पे देखा, हमें हमें समझ में आया कि बहुत एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, बहुत केमिकल्स यूज होते हैं प्रोडक्शन में। तो हमें समझ में आया कि बहुत ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, कंजम्पशन बहुत 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 फास्ट ग्रो कर रहा है हमारे कंट्री में, हम एक वेजिटेरियन कंट्री है, बट अंडे की क्वालिटी अभी अच्छी नहीं है। और अगर हम अंडे की क्वालिटी बेटर कर पाए और एक उसी के साथ अगर हम ब्रांड बना पाए तो कंजम्पशन भी बढ़ सकता है और इंडिया की मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो हमने वैसे ही स्टार्ट किया, बट हमें तो अंडे के बारे में अंडा ही आता था, हम सब लोग इंजीनियर्स हैं। फिर हम लोग ने सबसे पहले अपना एक फार्म डाला, फार्म से फार्मिंग सीखी और फिर वहां से धीरे धीरे अभी स्टार्टेड टू बिल्ड द ब्रांड। You know, I always knew कि एगोज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, ऐसा क्या स्पेशल है अबाउट एगोज जो कि इट मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीशन? Oh yes, so एगोज eggs are fresh, which means that सारे एगोज के अंडे मुर्गी से लेकर स्टोर तक एक दिन में पहुंचाए जाते हैं। वी आर द क्विकेस्ट सप्लाई चेन इन द कंट्री और ये देश भर में यह प्रोमिस फॉलो होता है। तो जो आपको अंडा मिलता है वो एकदम ताजा है, उससे स्मेल नहीं आएगी, आप उसको तोड़ के कुछ भी बनाएंगे यू विल फाइंड अ ब्राइट ऑरेंज योक इनसाइड ऑफ इट व्हिच इज ड्यू टू द हर्बल हेन फीड। हम लोग कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करते हैं मुर्गियों के लिए, मुर्गियों की फीड में, पोल्ट्री फीड में सारे चीजें जैसे मक्का, सोया, हल्दी, इस टाइप की चीजें यूज होती हैं जिससे न्यूट्रिशनल इंडेक्स इंप्रूव हो अंडे का, ज्यादा न्यूट्रिशन अंडे प्रोड्यूस। और जब आप इन अंडों से आप कुछ भी बनाएंगे, बीट, ऑमलेट, ब्राउनी और एनी अदर थिंग, यू जस्ट फाइंड द डिफरेंस इन टेस्ट। और साथ में सारे अंडे जो आपके पास आ रहे हैं दे आर प्रॉपरली पैक्ड, प्रॉपरली ट्रेसेबल, मशीन क्लीन्ड, यूवी सैनिटाइज्ड विद फुल वैल्यू एडिशन। ट्रू दैट सर। लेट मी रिमाइंड एवरीबडी, आज मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अभिषेक नेगी से जो कि को फाउंडर है एगोज के। सर, आपकी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, प्लीज टेल आवर लिसनर्स दैट। सो लॉन्ग टर्म गोल्स इन वन लाइन इज वी वांट टू बिल्ड द अमूल फॉर इट्स। वी एज फाउंडर्स एट एगोज एंड द एंटायर टीम एट एगोज इज एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड बाय द अमूल स्टोरी। अमूल ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचाया, एक मिल्क रेवोल्यूशन लाया था जिससे हम लोग न्यूट्रिशनली बहुत इंप्रूव किए थे और बिजनेस वाइज एंड कम्युनिटी वाइज भी एक फार्मर्स को बेटर इनकम पहुंची थी अमूल के मॉडल से। हम अंडों के साथ सेम करना चाहते हैं, हम एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं जो कंज्यूमर का न्यूट्रिशनल पार्टनर बने, उनको अच्छे अंडे खिलाए, अंडे के अच्छे प्रोडक्ट्स खिलाए और जिसमें कंज्यूमर ट्रस्ट कर सके कि यार एगोज एक अच्छा ब्रांड है, इसके अंडे फ्रेश होते हैं हमेशा, हमेशा टेस्टी बनते हैं और यही मेरा एग्स की चॉइस है। That is lovely, Abhishek. Thank you very, very, very much for being a part of my show and coming on Radio City 91.1. Suprabhatam.